अजी कोई है घर में? अजी कोई है क्या? कौन? किससे मिलना है? अजी हमें तो आपसे ही मिलना। उससे मिलना है? क्या काम है? अजी सारी बात खड़े खड़े करोगे, बैठने को भी बोलोगे। ठीक है तो चलो फिर बैठिए। आजा। हाँ तो बोलिए, मुझसे क्या काम है? अजी आपके यहाँ पानी वानी को ना पूछते हैं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, तो मंगवा दो, अभी पिलाते हैं। बेटी मोहिनी। जी पिताजी। जरा दो गिलास पानी तो लेकर आओ। लाई पिताजी। आज तो तेरी भाभी का हाथ का पानी पीऊंगा। अबे चुप है, क्यों बोल? क्या अपने भाभी का हाथ का पानी पीऊंगा? मोहन जी पहचाना? बांसों का जंगल, एकांत। आजा मेरे राजकुमार। जी पहचान लिया। हाँ? बेटी। जी पिताजी। तुम अंदर जाओ। ठीक है पिताजी। हाँ भाई, तुम किस काम से आए थे और तुम हो कौन? जी मेरा नाम झगड़ू है और इसका नाम झगड़ू है। वैसे आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है शेठ करोड़ीमल। करोड़ीमल? ये तो नाम से ही करोड़ीमल लग। इसके पास करोड़ों तो होंगे और ये मकान भी करोड़ों का लग रहा है। बीवी के साथ मैं करोड़पति भी बन जाऊंगा। हाँ? क्या सोचने लगे? और वैसे भी मैंने तुम दोनों को पहचाना नहीं। अजी पहचानोगे भी कैसे, हम पहली बार जो मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर काम बोलो, किस लिए मिलना मेरे से? अजी हम तो इसलिए मिलने आए थे, ये पूछना था आपसे कि आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे क्या? चाह तो रहा हूँ लेकिन ढंग का लड़का मिलता ही नहीं। अजी वो तो आपके सामने ही है। अरे वो तो बहुत बड़ा दारू आगे, उसके साथ तो अपनी बेटी की शादी कभी ना करूं। अजी हम उस सामने वाले की बात नहीं कर रहे, अपने सामने बैठे हुए लड़कों को देखो। अच्छा अच्छा, तो तुम दोनों अपने बारे में बात कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी। वैसे तो तुम दोनों ठीक ठाक लग रहे हो, पर क्या मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अजी मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे तो बस मोहिनी जी चाहिए। मुझे नहीं, मुझे। हाँ? पहले ये बताओ तुम दोनों में से शादी करेगा कौन? मैं। ये नहीं, मैं। करो चाहे कोई भी लेकिन दूंगा कुछ नहीं। अजी मैं तो कुछ मांग ही नहीं रहा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? तो मुझे पता है कि तुम लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? अरे लोगों को खिलाना पड़ेगा, दावत पानी करनी पड़ेगी, उसमें कुछ खर्चा तो होगा ना भाई। जी कितना होगा? देखो भाई कम से कम 2.5 लाख का खर्चा आ जाएगा। 2.5 लाख? और तुम में से जो 2.5 लाख रुपए दे देगा उसके साथ शादी कर दूंगा। क्यों क्या हुआ? अरे इतने ज्यादा तो हमने पैसे मांगे नहीं, फिर चौंक क्यों रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है जी,
पैसे तो हम दे ही देंगे। पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा, एक कप चाय मिल जाती तो। 2.5 लाख मिलने के बाद 2.5 लाख की चाय कुछ कम नहीं हो सकती। जब मैं अपनी अनमोल धरोहर तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ तो तुम्हें 2.5 लाख ज्यादा लग रहे हैं। अजी इसके बस की ना, आपको पैसे देने, आपको 2.5 लाख रुपए मैं दूंगा, आप तो बस शादी की तैयारी करो। 2.5 लाख की बात तो ऐसे कर रहा था जैसे तूने कहीं गड्ढे में दबा के रखे हो। देगा, निकालेगा और दे देगा, जैसे मेरे पास तो है ना, तेरे पास हो। अबे चल, मैंने तो गड्ढे में नगाड़ के रख रखे जो मैं दूंगा, लेकिन तू कहाँ से लाएगा? पैसे तो दोनों के ही पास नहीं है, फिर तेरी भाभी से शादी कैसे करूँ? अबे यार, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि तेरी भाभी से शादी कैसे करूँ, लेकिन शादी तो मैं ही करूँगा। चल बे, शादी तो मेरी होगी। अच्छा चल, तू ही कर लियो शादी। मुझे पता था तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू मेरे लिए अपने ख्वाबों का बलिदान दे देगा। भगवान तुझ जैसा दोस्त सबको दे। अबे पहले पूरी बात तो सुन ले मेरी। अबे अब क्या सुनना, अब तो तूने सब क्लियर कर दिया है। चल तू फिर भी बोल बोल। अबे मैं ये कह रहा हूँ, शादी तू कर ले, लेकिन रखूंगा मैं। चल ठीक है, हैं? उसकी शादी जब मेरे से होगी तो मैं ही तो रखू, तू क्यों रखेगा? देख झगड़ू, मैं दोस्ती की खातिर अपने दिल पे पत्थर रख के मोहिनी जी की शादी तुझसे करा रहा हूँ, और तू उन्हें मेरे पास रख भी नहीं सकता। कैसा दोस्त है तू, लानत है तेरी दोस्ती पर। आड़ में जाए ऐसी दोस्ती जो अपनी होने वाली भाभी पे गलत नजर डिगा के बैठा हो, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। हाँ तो तेरे जैसा दोस्त चाहिए भी किसे जो अपनी होने वाली भाभी को बीवी समझ बैठा। चल इस स्कूटी को बेच दूं? नहीं यार, ये तो 20-30 हजार की बिकेगी। कहां से करूं इंतजाम? हे राम, कहां से करूं इतने पैसों का जुगाड़? इस बुढ़िया का लड़का बाहर काम करता है और इसको बहुत पैसे बेचता है, क्यों ना इस बुढ़िया के घर हाथ साफ कर लूं? मोहिनी, मैं आ रहा हूं पैसों का इंतजाम करके। अरे भैया पता तू आ रहा है? अरे मैं तो ताई के हाल चाल पूछ रहा हूँ। मारे गाके, अरे छोड़ दे, छोड़ दे। अरे भाई मारे मत, अरे छोड़ तो सही। अरे मैं तो ताई के हाल चाल पूछ रहा हूँ, अरे छोड़ तो सही। अबे मारे गाके, अबे छोड़, अबे छोड़ दे। अबे अब तो चोर भी आ जाएगा यहाँ पर, बाबू चाय ले जाना पड़ेगा। चलो तो सो जाता हूँ, सुबह देखूंगा कौन था। नींद खराब कर दी सारी। इतने सारे पैसे, 2.5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? कार? इसमें देखता हूँ, शायद कुछ हो, मेरा काम हो जाए। खोल के देखता हूँ, शायद कुछ हो। खुल गई है?
लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान तू कितना दयालु है। अब तो मोहिनी मेरी। खोल के देखता हूँ कुछ हो। यहाँ नहीं, घर जाके खोलूंगा। अब तो वो हाँ भाई, क्या कर रहा था? मैं तो सफाई कर रहा था। सफाई कर रहा था तेरी। छोड़ दो, अब नहीं करूंगा। अब नहीं करूंगा, अब तो करूंगा ही नहीं, सफाई नहीं करूंगा। छोड़ दो मुझे। गाड़ी की सफाई करने आया था, होगी ना खुद की सफाई। गुरुजी कहाँ हो आप? गुरुजी रे गुरुजी, शाबाश भले भले शाबाश। आ गए चिरकुटो। अरे चिरकुटो, ये तुम्हें क्या हो गया और ये आज तुम्हारे डीपर बंद कैसे हो गए? गुरुजी, जैसा आपने कहा था, उस लड़की का पीछा किया, उसके घर का पता लगाया। फिर? उसके घर का पता लगाने के बाद के बाप ने हमसे 2,50,000 रुपए की मांग करी। 2,50,000? फिर क्या हुआ? और फिर मेरे भोले चिरकुटो, तुम्हारे साथ तो ये बहुत बुरा व्यवहार हुआ, पर तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि बुरे काम का बुरा नतीजा? गुरुदेव, ये सारा काम तो हमें मोहिनी के चक्कर में करना पड़ा। अब गुरुजी आप ही बताओ, हम चोरी ना करें तो क्या करें? हम 2,50,000 कहां से लाएं? आप हंस रहे हो गुरुजी, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं कि हम मोहिनी से शादी कैसे करें। कुछ उपाय बताओ गुरुजी। उपाय है, परंतु क्या गुरुजी? उपाय तो बताओ, जल्दी बताओ क्या उपाय है। परंतु मुझे संदेह है कि तुम वो उपाय कर पाओगे। गुरुदेव जल्दी बताओ क्या है वो उपाय। गुरुदेव जल्दी बताओ, हम सारे उपाय करेंगे। तो सर्वप्रथम मुझे ये बताओ, क्या तुम दोनों के पास तुम्हारे घर है? हाँ गुरुदेव। बहुत बढ़िया, क्या वो तुम्हारे नाम है? हाँ गुरुदेव। तो समझो, तुम लोगों का कार्य हो गया। वो कैसे? तुम लोगों को 2,50,000 रुपए चाहिए ना? हाँ गुरुदेव। तो अपना घर गिरवी रख दो और उनसे पैसे लेकर उस कन्या के पिता के पास जाकर उस कन्या का हाथ थाम लो। पर गुरुदेव, अगर हमने घर गिरवी रख दिया तो हम रहेंगे कहाँ? और गुरुदेव, अगर हम घर ना छुड़ा पाए तो हम कहाँ रहेंगे? अरे मेरे भोले चिरकुटो,
मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है। उस कन्या के विवाह के पश्चात तुम्हारे जीवन में राजयोग है। जो उस कन्या से विवाह करेगा उसको धन, दौलत, शोहरत सब कुछ प्राप्त होगा। पर गुरुदेव एक समस्या है, हम दोनों में से उससे शादी करेगा कौन? इस बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा रहता है। तुम घबराओ मत चिरगुटो, इसका उपाय भी है मेरे पास। क्या उपाय? पहले जो मैंने बताया है पहले उस उपाय को करो, उसके पश्चात मैं तुम्हें वो उपाय भी बताऊंगा। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। अब तुम जाओ और जल्द से जल्द उस कन्या का हाथ थाम लो। अगर किसी और ने थाम लिया तो तुम्हारा राजयोग खत्म हो जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है गुरुदेव। जय हो चिरकुट बाबा नाथ की जय हो। तुम्हारा घर, तुम्हारा सब कुछ ना खत्म कर दिया तो मेरा नाम चिरकुट बाबा नहीं। अबे क्या देख रहा? अबे तू यू टोपा टाई कहाँ से लाया? अबे ये टोपा उस दिन चुराया था ना, और ये टाई ना है, स्टाइल है। चल वो तो ठीक है यार, पैसों का इंतजाम कहाँ से करें? हाँ यार समझ में नहीं आ रहा कुछ। कुछ सोच। अबे दिल्लू तू कहाँ टहल रहा? अरे झगड़ू झपटू तुम कैसे बैठे हो आज परेशान से फिर? अबे यार दिल्लू हमें पैसों के लिए अपना घर गिरवी रखना। अरे इसमें परेशान होने कौन सी बात है यार? परेशानी ये है, हम जिसके पास भी जाते हैं वो हमें चोर उचक्का समझ के घर के बदले भी पैसे देने को तैयार नहीं है। अब बताओ क्या करें? अरे हाँ यार ये तो परेशानी की बात है तुम्हारे साथ, पर तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों है जो तुम्हें अपना घर गिरवे रखने की नौ बतागी? अरे यार दिल्लू हमें मोहिनी से शादी करनी है, और उसके बाप ने हमसे 2.5 लाख रुपए मांग लिए। अब मोहिनी से शादी करने के लिए हमें 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। अब पैसों का इंतजाम करने के लिए हमें घर तो गिरवी रखना ही पड़ेगा ना। अरे हाँ यार क्या तो तुम सही रहे हो, घर तो गिरवी रखना ही पड़ेगा। अरे यार दिल्लू तूने हमें बाबा चिरकुटनाथ जी से मिलवाया था, तू हमारा ये काम और कर दे, हम तेरा एहसान जिंदगी भर रखेंगे। हाँ हाँ यार हमारा ये काम करा देना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, जब तुम मेरी इतनी मिन्नत कर रहे हो मुझे तुम्हारा काम करवाना ही पड़ेगा। अरे तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, पास के गांव में सेठ चंपतलाल रहते हैं और वे तुम्हारी जरूर मदद करेंगे, तुम दोनों वहीं जाओ। सच? हाँ। अरे यार तू तो बहुत अच्छा इंसान है, तूने हमारी सारी परेशानी खत्म कर दी। अबे यार तुम लोग हर बार मेरा गाल गंदा करते हो। कल सुबह सुबह मैं झगड़ू से पहले जाकर सेठ जी से पैसे ले लूंगा, उससे पैसे लेकर मोहिनी के बाप को दे दूंगा, और फिर उससे शादी कर लूंगा, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। अबे क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। मुझे नहीं पता जब तू क्या सोच रहा था, अपने आप को ज्यादा चलाक समझ रहा था, और अब देख मैं उससे पहले आ गया हूँ, और अपना घर गिरवी रख के सेठ जी से पैसे लेके मोहिनी जी के पिताजी को दे दूंगा, और मोहिनी से मेरी शादी हो जाएगी। सेठ जी हैं क्या? सेठ जी हैं क्या? अरे कौन? सेठ जी हैं क्या? अरे मूर्ख टड़े को मैं सेठ नजर नहीं आ रहा? नहीं आप ही सेठ जी हो। अरे तो टड़े को मैं बगड़ा नजर आ रहा हूँ? सेठ जी गलती होगी, सेठ जी नमस्ते। चलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हटो बटो मेरे से क्या काम है तेरे को? अजी घर गिरवी रखवाना था। घर गिरवी रखवाना है? हटो अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हो? अरे हमारे तो बाप दादा होगा खानदानी पेशा है तो। अरे कागज रख के घर गिरवी रख लेते हम लोग। आप गेट से तो हटो सेठ जी। तुम तो बोर्ड में जा गया, अंदर आ जाओ।
आइए बैठे साई। तो दिख रहा पानी तुम लोगे नहीं, चाय यहाँ बनती नहीं और खाने का समय नहीं हुआ, तो बताओ क्या लोगे तुम? कुछ बचा भी है जो लेऊंगा। क्या सोचने लगे दिख रहा? वो सेठ जी मुझे बस पैसे चाहिए। हाँ वो तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ कितने पैसे चाहिए तुमको? 2,50,000 रुपए। ले जाओगे तू सेठ जी? अरे वो बहुत बड़ी रकम होती है ना 2,50,000 रुपए। नहीं सेठ जी आप चिंता ना करो मैं ले जाऊंगा। अरे तो वो कागज लाए हो तुम इनके? हैं जी। तो ये लो सेठ जी। तो तुम्हारी जमीन कितने की होगी टिकड़ा? 12,00,000 मतलब 12,00,000। बड़े मजा गया हो तुम तो, मेरी नकल कर रहे हो नोटी बॉय। वो सेठ जी मुंह से निकल गया। अरे टिकड़ा बात तो मुझे निकलती है, है? पीछे से तो भाई निकलती है। जानता हूँ सेठ जी वो पैसे। हाँ मैं तैयार हूँ देने के लिए, पर मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। मुझे सारी शर्त मंजूर है। ठीक है तो बताइए कितने दिन के लिए? बस एक बार मेरी शादी मोहिनी से हो जाए फिर मैं करोड़पति बन जाऊंगा और 1 महीने का ब्याज सहित सेठ के मुंह पे फेंक के मारूंगा। अरे दिखड़ा क्या सोचने लगे? कुछ नहीं सेठ जी। देखो 10% का ब्याज लगेगा ठीक है ना, अगर 1 महीने से ऊपर हुआ तो पैसे तुम्हारे और मकान मेरा, बोलो मंजूर है? मंजूर है। तो ठीक है हम तुम्हारे लिए अभी पैसे लेकर आया, ठीक है नी? ठीक है। अब मेरे पास 2,50,000 रुपए आ जाएंगे, अब मैं सीधा सेठ करोड़ी मल के मुंह पे फेंक के मारूंगा, मोहिनी का हाथ ले लूंगा और सीधा हनीमून पे जाऊंगा। ले डिगड़ा तेरे पैसे, पर रुको। ये क्या है सेठ जी? ये इकरारनामा है, इसमें लिखा है अगर तुमने 1 महीने में मेरे पैसे नहीं दिए तो मकान मेरे और पैसे तुम्हारे। सेठ जी मैं तो 1 महीने से पहले ही दे दूंगा। हाँ हाँ चलो चलो साइन करो। तो ठीक है तुम जाओ। वो सेठ जी पैसे कैसे? वो मकान वाले पैसे। मैं भूल गया था, ये लो पकड़ो। सेठ जी आप भी अच्छा मजाक करते हो। अरे तुम भी तो नोटी बॉय हो, हैं? और भी कोई जमीन हो तो ले आना मैं दे दूंगा। ठीक है सेठ जी। अच्छा सेठ जी नमस्ते। अरे, जाओ बेटा अभी तो तुम्हारी जमीन गई है, पैसे भी जाएंगे, आगे आगे देखिए होगा क्या। क्यों ठीक है ना डीकड़ा? अच्छा हुआ मैं झगड़ू को बिना बताए सेठ जी के पास चला आया। अब सेठ जी से पैसे लेकर उसके बाप को देकर मैं मोहिनी के साथ शादी कर 7 जन्मों के बंधन में बन जाऊंगा। सेठ जी हाँ बोलो। सेठ जी राम राम। अरे तेरे तो बहुत बार की नजर आने, एकदम ही पहचान लिया कि मैं सेठ जी हूँ। ऐसे तो बताओ किस लिए आए हो तुम? मुझे अपना घर गिरवी रखना है। तुमको भी? कोई और भी आया था? अरे नहीं नहीं मेरे पास तो बहुत सारे आते रहते हैं नी, और वैसे भी ये तो हमारा खानदानी पेशा है। देखो तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। आ जाओ आओ 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 बैठो डिगड़ा, ये हमारे खानदानी पेशा है जानते नहीं हो? हाँ तो डिगड़ा देखो पानी तुम पियोगे नहीं, चाय यहाँ बनती नहीं और खाना बनाने के लिए नौकर है नहीं। हाँ तो बताओ तुम क्या लोगे? हैं रही क्या गया, पर मैं भी छट्टू हूँ कुछ तो लूंगा, थोड़ी सी चीनी खिला दो। चीनी? अरे चीनी तो बहुत खराब होती है डिगड़ा, अगर तुम चीनी खाओगे चीनी से शुगर बढ़ जाती है, शुगर हो जाता है तो फेफड़े खराब हो जाते हैं, फेफड़े खराब हुए तो लिवर ठप हो जाता है, लिवर ठप हो गया तो आदमी मर जाता है। तो चीनी तो कभी खानी भी नहीं चाहिए। अब क्या क्या लाऊं? मैं चीनी का भी नहीं खाऊंगा, नमकीन मांग लेता हूँ। नहीं नहीं नमकीन ही खिला दो फिर। नमकीन? अरे दिख रहा लगता है तुमको तो बहुत भूख लगी हुई है,
अरे घर से नाश्ता करके नहीं आते क्या? नो नो। अरे घर से नाश्ता करके आया करो, नहीं तो बाहर भी नहीं मिलता। पर भी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा, ठीक है ना? रुक जाओ। सेठ जी तो बड़े दयावान है, आने वाले का कितना ख्याल रखते हैं। किस चीज से क्या नुकसान हो सकता है सब बता देते हैं। ये तो बहुत बड़े आदमी है। हेलो डिगड़ा। ये सेठ तो मेरा भी गुरु निकला। डिगड़ा सोच कर रहे हो, खाओ नहीं? सेठ जी इतनी सारी नमकीन खाई नहीं जाएगी। अरे डिगड़ा तुम चिंता क्यों कर रहे हो? बेशरम नहीं होना चाहिए हम है ना? तो बताओ कितना पैसा चाहिए तुमको? 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। तुमको भी? मतलब यहाँ कोई और भी आया था? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा खानदानी पैसा है नहीं। अरे हमारे तो बुजुर्ग भी कागज के बदले घर गिरवी रख लिया करते थे। वो कागज, तुम कागज लाए हो नहीं? हाँ कागज लाया हूँ सेठ जी। डिगड़ा पैसे तो मैं तुमको दे दूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? वैसे तुमको कितने दिन के लिए चाहिए? एक बार मोहिनी से शादी हो जाएगी, कुछ दिन बाद में करोड़पति बन जाऊंगा, और फिर इसके सारे पैसे ब्याज सहित इसके मुंह पर फेंक के मारूंगा। बस सिर्फ 1 महीने के लिए? 1 महीने के लिए ना, देख लो। देख लो, अगर तुमने 1 महीने में नहीं दिया तो पैसे तुम्हारे, मकान मेरा। तो मंजूर है परवाता? हाँ मुझे मंजूर है। तो ठीक है मैं भी आया, बैठो। मोहिनी मैं आ रहा हूँ शादी के लिए। ये लो डिगड़ा तुम्हारे 2.5 लाख रुपए, इस पे थोड़ा सा साइन कर दो। इसमें लिखा है अगर तुमने 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो मकान मेरा और पैसे तुम्हारे, ठीक है? 1 मिनट, ये करना है, कटो कटो। सोच कर रहे हो? ठीक है डिगड़ा, 1 महीना तो 1 महीना। जी ठीक है डिगड़ा, ठीक है? ठीक है, अब जाओ। रास्ता उधर है। एक्शन। एक बार डबल डबल दिख रहा था।